मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं संदीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं यूनिट नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 1 का, टॉपिक नंबर 5 का, पॉइंट नंबर इफ। और प्रीवियस क्लास में हम इफ के बारे में डिस्कस किए थे और बताया गया था आपको कि अगर बहुत सारा स्टेटमेंट दिया रहे उसमें से एक को छांटना है तो हम इफ का यूज कर सकते हैं। और इफ का यूज वहां करेंगे जहां अलग अलग बहुत सारा स्टेटमेंट दिया रहे यानी रिजल्ट दिया रहे। तो कुछ प्रोग्राम भी बताया गया था और कुछ बनाने के लिए भी दिए थे। उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा, और नहीं बना तो हमसे क्वेरी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बनाना आप ही को है, हम नहीं बताएंगे। चलिए आज इफ का लास्ट क्लास, इफ का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ का लास्ट प्रोग्राम देखेंगे, इफ दो से ज्यादा में कैसे यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चंस की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इफ का, राइट अ प्रोग्राम। एक क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। टू फाइंड द ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा। फाइंड द क्या, ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब बड़ा। वैल्यू बिटवीन टू नंबर, यानी आपको क्या करना है, फाइंड करना है कौन सा वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर यानी बड़ा वैल्यू, वैल्यू बिटवीन टू नंबर यानी कितना नंबर का, दो नंबर का। दो नंबर में चेक करना है कि बड़ा कौन सा है, दो नंबर में चेक करना है बड़ा कौन सा है। और चलिए इसी को देखते हैं हम। अब यहां दो नंबर दिया हुआ नहीं है, दो नंबर दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले बताया गया था आपको कि कोई भी प्रोग्राम बनाइए तो शुरुआत का 5 लाइन खुद से लिख देना है, जो हम 50 बार से ऊपर बता चुके हैं, क्या है आपको पता होगा। चलिए उसको पहले लिख लेते हैं, है क्या, कोई भी प्रोग्राम हो शुरुआत का 5 लाइन हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ये हो गया पहला लाइन। दूसरा हच इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ये दूसरा लाइन। तीसरा लाइन हो गया वॉइड और मेन। चौथा लाइन ब्रेसेस ओपन, और पांचवा लाइन क्लियरेंस। कोई भी प्रोग्राम हो ये 5 लाइन लिखने आपको हम बता चुके हैं, इसका रीजन भी क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, अब आपका बोला जा रहा है कितना नंबर, दो नंबर, दो नंबर यहां दिया हुआ नहीं है, तो अपने मर्जी से हम मान लेते हैं ए है एक बी है। जब दिया हुआ नहीं रहता है तो मान लेते हैं एक ए है और एक क्या है, बी है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए है और बी है कितना नंबर हो गया, दो नंबर, कितना नंबर बोला, दो नंबर। अब बोल रहा है कि इसमें से ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है ये आपको प्रोग्राम से निकालना है। तो सबसे पहले अगर ये कंडीशन लगा दिए तो देखिए बाबू, सबसे पहले दो नंबर है एक ए एक बी, अब दोनों में चेक करना है बड़ा कौन है, तो ये आपको बारी बारी दोनों को चेक करके देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, क्योंकि ना तो हमको यहां ए का वैल्यू पता है और ना ही बी का वैल्यू पता है।
तो हो सकता है कि ए भी बड़ा हो सकता है, हो सकता है बी भी बड़ा हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों बराबर भी हो। यहां पे ध्यान दीजिए कि जब हमको दोनों का वैल्यू पता नहीं है, ए और बी दो नंबर है, दोनों का वैल्यू पता नहीं है, हो सकता है ए बड़ा हो सकता है बी बड़ा हो सकता है दोनों बराबर हो। देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन इसके अंदर तीन चीज छुपा हुआ है, ए बड़ा हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है। तो हमको चेक करके एकक करके देखना पड़ेगा कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या दोनों बराबर है, क्योंकि हमको ना तो ए का वैल्यू पता है ना बी का वैल्यू पता है। अभी अगर हम कहते हैं कि ए बड़ा है, तो मान लीजिए यहां 10 है यहां 5 है, तो अभी ए बड़ा है, ए का वैल्यू 10 है बी का वैल्यू 5 है, कौन बड़ा है? ए। लेकिन अगर हम ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 15, तो यहां बी बड़ा हो गया, कंडीशन गलत हो जाता है। तो एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि ए बड़ा है, दूसरा बार में हो सकता है बी बड़ा है, और तीसरा बार में हो सकता है दोनों बराबर है। तो हमको पता नहीं है जिसके कारण हमको चेक करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, INT इंटीजर लेते हैं, कितना वैल्यू लेना है? दो वैल्यू, एक ए मान लिए एक बी मान लिए। इंटीजर क्यों लेते हैं, ए और बी क्यों लेते हैं, सबको बताया जा चुका है। अब ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है? नहीं। बी का वैल्यू दिया है? नहीं। तो मांगना पड़ेगा, और मांगने के लिए बताया गया किसका यूज, सी आउट का यूज। लिखेंगे सी आउट, इस तरीके से लिखाता है। अब मांगने के लिए यहां डबल क्वार्ट्स के अंदर पढ़ाया जा चुका है, बोलेंगे इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, कितना नंबर चाहिए? दो नंबर, और इंटर का मतलब लाइन चेंज। अब दो नंबर मिलेगा तो रखने के लिए बताया गया किसका यूज, सीन का यूज। मांगने के लिए सी आउट का और रखने के लिए सीन का। तो पहला वैल्यू किसमें रखेंगे? ए में, क्योंकि पहला ए मान चुके हैं, और दूसरा वैल्यू बी में। यहां तक तो पहले वाला ही क्वेश्चन है, आपको यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए ये क्लियर हो गया। अब मेरे पास तीन कंडीशन है, ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है। तो हम एक इफ का यूज समझाएं, दो इफ का यूज समझाएं। अब यहां तीन कंडीशन है तो कितना इफ लगेगा? तीन। दो इफ तक का क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं यहां, क्योंकि देखो बाबू अच्छा से समझो, हमको निकालना है दो नंबर में बड़ा वैल्यू, तो ना तो ए का वैल्यू पता है ना तो बी का पता है, तो इसमें ऑब्वियसली ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी हो सकता है, या बराबर हो सकता है, हमको पता नहीं। तो ये तीनों में हमको चेक करके देखना पड़ेगा। तो यहां कितना इफ लगेगा? तीन, क्योंकि कितना कंडीशन? तीन। तो तीन इफ का यूज करेंगे। तो चलिए पहला इफ, इफ समझाएं ना कैसा लगता है। इफ अगर ए बड़ा होगा बी से, यहां सेमी कॉलन नहीं लगता है, कोई कोई लगा देता है, ए बड़ा होगा बी से, इफ ए बड़ा होगा बी से, इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद स्टेटमेंट लिखने के लिए किसका यूज,
सीऑट का यूज आंसर लिखने के लिए। अगर ऐसा हुआ ए बड़ा हुआ बी से तो यहां कहला जाएगा ए इज ग्रेटेस्ट। और ये जो ओपन किए हैं बंद कर दिए, समझ में आया यहां तक? ये एक कंडीशन लगा है, इसमें बता रहे हैं कि बड़ा कौन है ए, यानी अभी ए बड़ा हुआ। लेकिन अगर अब देखिए दूसरा कंडीशन, इफ अगर इसी में है इसके आगे, अगर बी बड़ा हुआ ए से, सबसे पहले हम क्या बोल दिए ए बड़ा हुआ बी से, ए इज ग्रेटेस्ट। अगर बी बड़ा हो गया ए से, बी बड़ा हो गया ए से, तो यहां हो जाएगा सी आउट बी इज ग्रेटेस्ट। ये हो गया और यहां पे बंद। तो पहला बार में चेक किए ए बड़ा हो सकता है, दूसरा में चेक कर रहे हैं बी बड़ा हो सकता है, और एक और इफ का यूज करेंगे कि अगर ए बड़ा नहीं हुआ बी बड़ा नहीं हुआ तो दोनों क्या होगा बराबर है, सी आउट बोथ आर इक्वल। और यहां बन प्रोग्राम बन गया प्रोग्राम। तो यहां पे हमने तीन इफ का यूज किया और तीन इफ का यूज करके आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया। चलिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लेने अच्छे से, और आपको अंजादी बनाना है, मेरा देख के नहीं, क्वेश्चन लिख लेना है, समझ लीजिए और खुद से बनाना। तो देखिए क्वेश्चन बोला था दो नंबर में से छांटना है बड़ा कौन है, तो दो नंबर में से छांटना है बड़ा कौन है। जैसे ये मेरे पास दो मार्कर है, ये दोनों मार्कर को हम छिपा लिए, दो मार्कर है दोनों को छिपा लिए। अब आपसे पूछ रहे बताइए दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बोल, आपके पास तीन ऑप्शन आ गया। आप बोल सकते हैं पहला बड़ा हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है, या दोनों बराबर हो सकता है। लेकिन दिखा देंगे तब पहचान लीजिएगा, लेकिन नहीं दिखा रहे हैं तब तीन कंडीशन, पहला वाला बड़ा या दूसरा वाला बड़ा या दोनों बराबर, ये तीन कंडीशन लगेगा। इसलिए हमने यहां पे तीन इफ का यूज किए। अगर दिक्कत है तो प्रीवियस क्लास क्लियर कर लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए जब इस प्रोग्राम को आप रन करवाइएगा कंप्यूटर में, ए और बी का वैल्यू मांगेगा। आप ए का वैल्यू 5 दे दिए, बी का वैल्यू 3 दे दिए। अब सबसे पहले इस इफ में आएगा, पहला वाला में आएगा, चेक करेगा 5 और 3, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3। 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, सही या गलत? तो 5 रियली में बड़ा है 3 से। तो अगर ये सही है तो इसके जस्ट वाला ब्लॉक वाला आंसर आएगा, और इसके जस्ट वाला ब्लॉक वाला आंसर क्या लिखा हुआ है इस डबल क्वार्ट्स के अंदर, देखिए ए इज ग्रेटेस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा ए इज ग्रेटेस्ट। ये आंसर आया पहला बार में। लेकिन अब अगर दूसरा बार में आप ए का वैल्यू 3 डाले और बी का वैल्यू 5 डाले, ए का वैल्यू 3 डालो बी का वैल्यू 5 डालो, ऐसे डाल दिए, तो अब चेक करेगा 3 बड़ा है 5 से, 3 बड़ा है 5 से, तो क्या 3 बड़ा है 5 से? गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो ये वाला ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये गलत, तो इसका ब्लॉक काम नहीं करेगा, अगला में जाएगा। तो देखिए यहां बी है, बी का वैल्यू 5 और ए है, ए का वैल्यू 3। अब बोल रहा है 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, सही या गलत? ये सही हो गया, तो
तो ये वाला ब्लॉक वाला आंसर आएगा, और इस ब्लॉक के अंदर आंसर है बी इज ग्रेटेस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा बी इज ग्रेटेस्ट। दूसरा बात, एक और एग्जांपल, अगर दोनों का वैल्यू पांच पांच रहा, तो ए का वैल्यू भी पांच, बी का वैल्यू भी पांच, चेक करेगा पांच बड़ा है पांच से, पांच बड़ा है पांच से, नहीं बराबर है, गलत हो गया। फिर चेक करेगा बी का वैल्यू पांच, ए का वैल्यू पांच, दोनों का पांच पांच है, दोनों का पांच पांच है, चेक करेगा पांच बड़ा है पांच से, ये भी गलत, तो इसका वाला काम नहीं करेगा। अब यहां पे पांच पांच, पांच बराबर होना चाहिए पांच का, पांच बराबर होना चाहिए पांच का, क्या बराबर है? है, तो बराबर है, तो इस ब्लॉक वाला आंसर आएगा बोथ आर इक्वल, तो आंसर आएगा बोथ आर इक्वल। इस तरीके से अलग अलग वैल्यू जब लीजिएगा तो अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग नंबर लेने पे अलग अलग रिजल्ट आएगा, और आपको यहाँ नंबर बाद में लेना है, प्रोग्राम रन करवाइएगा उसके बाद, रन करवाने भी पता है, बताया गया है। तो ये रहा दो नंबर में बड़ा कौन है ये निकालने का तरीका, जिसमें हम तीन इफ का यूज किए, एक दो तीन, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन इसमें आता है जिसमें आप चार इफ का यूज, पांच इफ का यूज, छह इफ का यूज, बहुत सारा इफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ाना कोई मायने नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, बस समझ लीजिए इफ क्या होता है, इतना ही काफी है। तो अगला क्लास में हम सबसे पहले स्टेटमेंट बताएं, स्टेटमेंट तीन प्रकार का, सेलेक्शन, इटरेशन और जंपिंग। स्टार्ट किए हैं पहला सेलेक्शन, और सेलेक्शन भी तीन प्रकार का, पहला इफ, इफिल्स और स्विच। तो आज हमने इफ खत्म कर दिया, इफ कंप्लीट हो गया, अगले क्लास में आपको इफिल्स से परिचय करवाया जाएगा, इफिल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इस क्वेश्चंस को समझ लीजिए, मोबाइल में रन करवा के देखिए, और जो होमवर्क दिए हैं प्रीवियस क्लास में उसको बनाने का ट्राई कीजिए। थैंक यू।